हाय शख्स। हाय। मैं हूँ राखी पाल। मैं हूँ सौरभ मंगरूरकर। और मैं हूँ वेंकटेश प्रसाद। एंड वी आर द कोफाउंडर्स एट इवेंटबीट। हमारी एजुकेशन सिस्टम में दो चीजें मिसिंग है, एजुकेशन और सिस्टम। आजकल हमारे स्टूडेंट्स अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, बट कुछ ऐसे भी स्टूडेंट्स होते हैं जो इस टाइम पे बहुत सक्सेसफुल होते हैं। मोस्टली ये स्टूडेंट्स आते हैं आईआईटी से। मैं हूँ एक आईआईटी। मैं भी हूँ एक आईआईटी। और मैं हूँ एक आम कॉलेज। मेरे बच्चों को 1 करोड़ की पैकेज लगती है, वो हार्वर्ड में जाते हैं, तुम्हारे पास क्या है? हाँ। मेरे पास मास रिक्रूटर है। हमारे बच्चों के पास इवेंट्स हैं, कम्युनिटी है, अलुमनाई है, तुम्हारे पास क्या है? हाँ। मेरे कॉलेज की बिल्डिंग बहुत बड़ी है। एग्जैक्टली इन कॉलेज की बिल्डिंग इनकी आइडेंटिटी होती है। ऐसा क्या अलग होता है एक आईआईटी में और एक आम कॉलेज में? टीचर्स तो सेम होते हैं, सिलेबस भी सेम होता है, पढ़ाते एक ही चीज़ है। इन स्टूडेंट्स में कुछ अलग होता है, वो है कम्युनिटी। इन स्टूडेंट के पास ऐसी कम्युनिटी होती है जिनके पास एक्सपर्ट्स, अलुमनाइज, ऐसे लोग होते हैं जो हार्वर्ड में जा चुके, बिलियन डॉलर्स बिजनेस बना चुके। इन स्टूडेंट्स के पास एक आदर्श होता है। इन स्टूडेंट के पास बस एक ही सपना होता है, यार कोई भी जॉब लग जाए। पर क्यों? क्यों मैं किसी जॉब में सेटल हो जाऊं? क्यों मैं इनसे पीछे रह जाऊं? इसलिए हमने बनाया है इवेंट बी। इवेंट बी एक ऐसा ऐप है जो सिर्फ 3 स्टेप्स में एक स्टूडेंट की कॉलेज लाइफ बदल देता है। अब मान लीजिए अमन एक फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग स्टूडेंट है किसी चरण स्पर्श कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग से, और पेरेंट्स के दबाव में आने के कारण उन्हें केमिकल इंजीनियरिंग चूज करनी पड़ी। स्टेप 1, हम इनके कॉलेज में जाके इनके कॉलेज को डिजिटाइज करके ऐप पे लेके आते हैं और हम उसे मजेदार बनाते हैं। कैसे? जब भी अमन असाइनमेंट टाइम पे सबमिट करेगा उसे आप पे कॉइन्स मिलेंगे, जब भी अमन टाइम पे लेक्चर्स अटेंड करेगा उसे आप पे कॉइन्स मिलेंगे। वो ऐप पे जो रिवॉर्ड्स है लाइक हेडफोन, स्पीकर, दे कैन रिडीम इट एंटायरली विद द इवेंट बीप कॉइन्स। स्टेप 2, अब अमन फर्स्ट ईयर इंजीनियरिंग में जानते ही नहीं कि वो करना क्या चाहते हैं, इसलिए हम उन्हें एक ऐसी कम्युनिटी का हिस्सा बनाते हैं जहां वो टॉप कॉलेज के स्टूडेंट से इंटरेक्ट कर सके, उनके साथ एक प्रोजेक्ट में साथ काम कर सके, और हम उन्हें टॉप मेंटर से कनेक्ट करवाते हैं। स्टेप 3, अब अमन जो फर्स्ट ईयर में ही है, हम इनको इंडस्ट्रियल और प्रैक्टिकल एक्सपोजर देते हैं। कैसे? हम सारी कंपनीज को लेके आते हैं, ये कंपनीज अपने इंटर्नशिप, जॉब अपॉर्चुनिटीज लिस्ट करके इन स्टूडेंट्स को ग्रोथ देते हैं। तो इवेंट भी स्टूडेंट्स को सिर्फ पढ़ना ही नहीं बल्कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ना है ये सिखाता है। So we are raising 30 lakhs for 2% equity in our company. Whoa. तो आइए शख्स मिलकर बनाए हर कॉलेज आईआईटी। थैंक यू। Hey, राखी, सौरभ, वेंकटेश, वेलकम टू शार्क टैंक। थैंक यू। और ये अमन बहुत अच्छा बंदा निकलेगा आगे जाके, ये मेरी गारंटी है। पहले ये बताओ कि आप लोग इसमें क्यों घुसे और आप लोग एक दूसरे को कैसे जानते हैं? मैं बहुत यंग था, 14-15 ईयर्स का था, तब से मैंने बिजनेसेस चालू करना स्टार्ट किए। हमारी घर की कंडीशन अच्छी थी नहीं, बट मैंने बिजनेसेस से इतने पैसे कमा लिए थे कि मैं खुद की कॉलेज की फीस पे कर सकता हूँ। तो जब मैं कॉलेज में गया बड़ा ही डिप्रेशन आ गया। जो कॉलेज में पढ़ाया जा रहा है और जो मैं कर रहा हूँ वो बहुत जमीन आसमान का फर्क था। तब मैंने स्टार्टअप स्टार्ट किया था और राखी और वेंकटेश दोनों के अपने अपने कंपनीज थे कॉलेज से ही। I am basically a computer science engineer and I take care of technology in event beep. मैंने भी कुछ इसी तरह स्टार्ट किया था। मैं बस अपने दोस्तों को मेंटर से कनेक्ट करवाती थी। मैं काफी सारे क्लब्स और कम्युनिटीज में पार्टिसिपेट करती थी और मुझे रियलाइज हुआ कि कनेक्शन एंड नेटवर्क इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एट अ वेरी यंग एज। अभी आपकी एज कितनी है? I am 24 now. 24. Me and Venkatesh are 24. आप IIT से हो कि आम कॉलेज? आम कॉलेज से। Amazing maturity. Rakhi is a very big inspiration for us. Oh. उसके घर पे बिल्कुल भी allowed नहीं है। क्या allowed नहीं है घर पे? Business करना. क्यों ऐसे? Startup start करना। ऐसा क्यों? मतलब समझ में नहीं है। इसके घर पे इसको बताते हैं कि यार तू बस घर पे रहना चाहिए और घर का काम करना चाहिए, बाहर जाने की जिम्मेदारी तेरी नहीं है, वो हम कर लेंगे। और पहले 2 साल झूठ बोलकर इसने स्टार्टअप चलाया। सुबह सुबह उठती थी, घर का काम, बर्तन करना, साफ सफाई करना, फिर जाके खाना बनाना, फिर जाके ऑफिस आना झूठ बोल के कि मैं कॉलेज जा रही हूँ। 2 साल तक ये चला, 2 साल तक बड़ी मेहनत की, एक पॉइंट तक ऐसा आए हम कि बहुत अच्छा कर लिया। तब उसने सोचा कि यार चलो बता देते घर पे। जैसे इसने घर पे बताया इसको घर से बाहर निकाल दिया। क्या बात कर रहे हो? माय गॉड। फिर 6 महीने घर से बाहर रही वो। 6 महीने के बाद वापस घर वाले ने बोला कि यार याद आ रही है, बट बाद में समझा कि घर का काम नहीं हो रहा इसलिए याद आ रही थी। अभी भी राखी इज स्टेइंग आउट ऑफ हाउस जस्ट बिकॉज उसे चूज करना पड़ा कि इधर कंपनी कर नहीं तो घर पे रहे। रियली सॉरी टू हियर दिस राखी। मतलब आज के दौर में ऐसा हो रहा है, थोड़ी तकलीफ तो हो रही है। आप कैसे हैंडल कर रही हो? आप इसको
अपने आप को कैसे जस्टिफाई कर रहे हो? एक ड्राइव है क्योंकि खुद पे तो विश्वास है कि कुछ ना कुछ कर ही लेंगे, मतलब पैसे कमाने का कभी डर नहीं था. इट्स जस्ट दैट मुझे इतना रियलाइज हुआ है कि फैमिली का सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होता है. जब नहीं होता है तो यू अंदर से आपको वो आत्मविश्वास कम फील होता है, आपको लगता है कि आप में कुछ कमी रह गई है जिससे शायद ये नहीं हो रहा है. बट एंड ऑफ द डे आई नो सम ऑफ द अदर डे पेरेंट्स खुश होंगे, किसी ना किसी दिन हो जाएगा सही. आप सोचना मत ऐसे, आप में कोई कमी नहीं है. वो कभी कभी ऐसा होता है लोग दूसरे को समझ नहीं पाते हैं ठीक से, वो वक्त आने पे समझ लेते हैं, तो वो भी आपको समझ लेंगे. गुड यार, इंस्पायरिंग. तो थोड़ा ट्रैक चेंज करते हैं, वेरी गुड टू नो अबाउट योर स्टोरी, बट अब बिजनेस पे आ जाते हैं, तो इसमें आप पैसे कैसे कमाते हैं? तो चार वेज है. सबसे पहले हम कॉलेज को चार्ज करते हैं फॉर गेमिफाइंग एंड डिजिटाइजिंग देयर कैंपस. इट्स अ फ्रीमियम मॉडल, पहला साल दो साल फ्री देते हैं फिर मोनेटाइज करते हैं. सेकेंड पार्ट इज हम लोग ब्रांड्स को चार्ज करते हैं स्टूडेंट्स तक एडवर्टाइज करने, ब्रांड कैंपेन्स रन करने के लिए. थर्ड है हम लोग एडटेक कोर्सेज इंटीग्रेट करते हैं, उससे हम लोग एक कमीशन यूज़ करते हैं. और फोर्थ है कि हमारे प्लेटफॉर्म पे जो इवेंट्स है, वर्कशॉप्स है, सेमिनार्स है, हम उसमें कमीशन चार्ज करते हैं टिकटिंग के लिए. अभी कुछ नंबर्स हैं आपके, कितने टाइम से है ये लाइव, कितने एक्टिव स्टूडेंट्स हैं? तो ये जो कम्युनिटी हमने लास्ट 6 मंथ्स में लॉन्च की थी 10,000 स्टूडेंट्स के साथ, आज 60,000 स्टूडेंट्स की कम्युनिटी है एक्टिव. और वी हैव डन ऑलमोस्ट 65 लाख इन रेवेन्यू लास्ट 6 महीने में. आप ये बताइए, क्योंकि आप स्टूडेंट एंगेजमेंट की बात कर रहे हैं फंडामेंटल, आपका एंगेजमेंट क्या है, रिटेंशन क्या है? सबसे पहले एंगेजमेंट टाइम, 20 मिनट्स इज द एवरेज डेली एंगेजमेंट टाइम स्पेंड ऑन द ऐप बाय स्टूडेंट्स. 60,000 डाउनलोड्स हैं, उसमें से आपके डेली एक्टिव कितने हैं? अराउंड 1,800 स्टूडेंट्स डेली एक्टिव हैं. मंथली एक्टिव स्टूडेंट्स आर अबाउट 9,000 स्टूडेंट्स. वीकली एक्टिव बाय डे मंथली एक्टिव का रेशियो है अराउंड 50%. और आपस में आपका क्या है शेयर होल्ड? इट इज 40-30-30. 40 किसके पास है? मेरे पास. तो ठीक है यार, मैं तेरे को ऑफर करता हूं, तुम 30 लाख मांग रहे हो, 30 लाख कंपनी में आने, मैं 30 लाख रुपए दूंगा 2% के लिए. मैं 10 लाख रुपए और भी दूंगा इसके ऊपर उसके सेकेंडरी शेयर खरीदने के, जो इनके इनके अकाउंट में जाएंगे, कंपनी में नहीं जाएंगे, इनके अकाउंट में जाएंगे, क्योंकि उसकी लाइफ सॉर्ट करनी है. अभी दिक्कत सबसे ज्यादा उसको हो रही है, ठीक है. और मैं 20 करोड़ की वैल्यूएशन पे वो जो भी परसेंटेज बनेगा मैं वो उनसे ले लूंगा, ताकि उसका डाइल्यूशन भी कम हो. वो 0.5% बनेगा, 0.5 बनेगा, 0.5%. तो मैं 0.5 उनसे ले लूंगा. इसके बियॉन्ड इसमें जो मेन चीज लगेगी ना, जो एक चीज मेरे को मिसिंग लग रही है, स्टूडेंट को क्रेडिट दे दो यार. पैसे दे दिए ना, वो अलग लेवल पे गेम खेलना है, फिर तो वो एक्वायर नहीं करना, फिर तू वेट लिस्ट बनाएगा, ठीक है. तो हम पोस्ट पे इसके अंदर इंटीग्रेट कर देंगे, अपना सेम सिंपल लोगो है, दे देना आराम से. तो ये मेरा ऑफर है, वेरी हैप्पी टू क्लोज इट विद यू. तो मैं आपको वही दे रहा हूँ, मेरा ऑफर है 30 लाख 2% जो आप मांगने हैं. जो तुम्हारा इवेंट बीप है ना, इसमें जो हार्नेस द पावर ऑफ द कम्युनिटी का गेम है ना, उससे अच्छा कुछ नहीं है. जब तुमने बोला रेवेन्यू पूछ रहे हैं तो आपको मना कर देना चाहिए था, रेवेन्यू नहीं है मेरा, खाली कम्युनिटीज बढ़ाओ और मेरे को इसके ब्रांड पे रोज कम से कम 5,000 कंज्यूमर नए लाने. अमन आप अभी समझ ही नहीं पाए हो इनका मॉडल. Exactly यार, क्या बेच रहा है? जीरो रेवेन्यू, जीरो रेवेन्यू, जीरो रेवेन्यू करेंगे ना तो कंपनी डेड हो जाएगी. मैं बताऊं, अगर तूने कम्युनिटी बना दी ना, कॉलेज अपने आप आएंगे. अच्छा ऑफर तो बता. जब कॉलेज के पास स्टूडेंट जाता है ना कि मेरे को ये ऐप चाहिए, तो कॉलेज मना नहीं करेगा. ऑफर क्या है भाई? ऑफर सेम है यार, अब इन्होंने इतना कम ऑफर दे दिया. मेरे को तो अपनी वैल्यू ज्यादा लगती है, 5% लेता मैं, लेकिन अब इन्होंने 2% कर दिया ना, तो मैं भी सेम ऑफर में आने को तैयार हूँ. 30 लाख यार रुक जावे यार. सेकेंडरी करेंगे क्या? वो मैं सारी आप साथ में बोल देना. सेकेंडरी उन्हें चाहिए नहीं, मेरे को लगता है सेकेंडरी बिल्कुल मत करो. अगर आपको कैश चाहिए मैं आपको लोन दे दूंगा. नहीं नहीं, मैं उसको सेकेंडरी किसी और चीज के लिए बोल रहा था. मेरे को ये था कि अगर पेरेंट्स को प्रूव करना है कि यार वो मेरे पैसे बना, बड़ा चीज करेंगे, बना लो. आप मेरे को वापस बोलोगे ना, मेरे को वापस सेम प्राइस पे खरीदना है, खरीद लेना जब खरीदना. चलो हां वही मैं कह रहा हूं, वो तो बात की बात है. बट जाके तो घूम फिर के ना, आप जितनी मर्जी पेपर वेल्थ बना लो, घर जाके बात ये होती है भाई पैसे कितने आए बैंक में. मैं आपको मेरा भी सोचना बता ही देता हूँ इसमें क्या कैसे सोच रहा हूँ. तो आपका जो थीसिस था उससे मैं बहुत सहमत हूँ, लेकिन आपका जो सोल्यूशनिंग है आई एम नॉट क्लियर अबाउट दैट. मुझे लग रहा है यहाँ पे थोड़ी खिचड़ी पक रही है. और एंगेजमेंट नंबर से बिल्कुल क्लियर है कि एंगेजमेंट राइट नाउ है नहीं, फिर भी मैं आपके हौसले और हिम्मत की राह देता हूँ. कोई ना कोई तो ये काम करेगा ही, होपफुली आप करेंगे, लेकिन मैं इससे बाहर होना चाहता हूँ. सो आई एम सॉरी बट यू हैव 3 गुड ऑफर.
और मैं अनुपम से बिल्कुल अग्री करता हूँ, मैंने इसमें बहुत टाइम स्पेंड किया है. इसका एक ही सोल्यूशन है, ग्रेट टेक, ग्रेट यूजर एक्सपीरियंस. नहीं तो इसका कोई डेड एंड गेम है ये. एडवर्टाइजिंग ये सब से कुछ नहीं होना, बस आपको टेक्नोलॉजी पे इन्वेस्ट करना है. टेक्नोलॉजी पे भी कर लेंगे, बहुत पैसे आएंगे हमारे पास यार. टेक्नोलॉजी खरीदेंगे हम लोग. मैं अपना डिसीजन दे देती हूँ, तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट विथ यू. ना मैं टेक्नोलॉजी ऑफर कर सकती हूँ, ना मैं कम्युनिटी ऑफर कर सकती हूँ, लेकिन राखी की स्टोरी सुन के मैं बहुत इमोशनल हो गई. और मैंने डिसाइड किया था अगर कोई ऑफर नहीं देगा तो जस्ट फॉर राखी मैं ऑफर देने वाली थी, ऑनेस्टली, विच आई डू वेरी रेयरली. बट बिकॉज आपके पास इतने बढ़िया ऑफर्स है, सो आई एम आउट. थैंक यू. आप कुछ काउंटर करना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? हम एक डिस्कशन छोटा करना चाहते हैं, उसके बाद इफ आप जरूर कीजिए कम बैक सून. यहाँ पे ऑफर जल्दी बदल भी जाते हैं. ये अगर आपको दो तीन लोग साथ चाहिए तो वो भी बता दो. चलिए आइए वापस. पूरा बाय वन गेट वन फ्री डील्स चल रहे हैं, बट इट्स गुड. आई थिंक इंडिया शार्क टैंक विल शो द वर्ल्ड द पावर ऑफ कोलैबोरेशन. एक ही आएगा ना तो वो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा कि हम इसको देखेंगे. अगर तीनों रहेगा ना तो फोकस नहीं रहेगा, सब बोलेंगे चेंज कर लेंगे. ऐसी बात है, कर सकते हैं. बट पीयूष इसमें पता क्या प्रॉब्लम, क्या अच्छा लगा मुझे, जो कम्युनिटीज बनी है ना, जैसे बहुत रिस्की है, पहले बता रहा हूँ. अरे रिस्की तो यार हर चीज है यार लाइफ में, रिस्की क्या नहीं है. तो सबसे पहले बहुत रिस्पेक्टफुली की थैंक यू फॉर ऑल ऑफ योर ऑथर्स. और हमें तीनों शार्क्स, we would love to have you on board. 3% 40 lakhs agar aap tino contribute karke can come on board. 3% 40 lakhs ya fir to aap 3% 30 lakhs pe de do hame aur kya. 30 mein kar le yaar, aa jayenge tino, aa jayenge. Deal pakki. All right. Wow, good decision. And Rakhi, we are very inspired. Yes. And let's show to your family that, you know, tum hum bhi kuch kar sakte hain. Good job. Thank you. Good job. Thank you so much. It's a dream come true. Sapna se chala. Acha, thank you. Thank you so much. Are you tech mujhe? Oh, so sweet. Rakhi, ek baat kahunga, entrepreneurship ke zariye duniya ke sabse bade problem solve ho rahe hain. आपकी फैमिली में वो कॉन्फिडेंस अभी तक आई नहीं. अब आ जाएगा. ये शो सोनी जो ला रहा है शार्क टैंक, ये देख के पूरा देश बदल जाए. Yes. और आपकी फैमिली भी. बिल्कुल. I wish you the best. बिल्कुल. और हमारे जैसे बहुत फीमेल एंटरप्रेन्योर्स आएंगे. Absolutely. Yes. Thank you so much. Good luck. रशनी ने जो किया अबाउट द गर्ल, इट्स अ वेरी गुड थिंग ही डिड, बिकॉज़ हैविंग कैश इन द हैंड मींस समथिंग. या वेरी गुड. आई थिंक वी शुड अप्लॉड हिम फॉर दैट. वी हैव टू हैव फन, बाकी सब जो होगा देखा जाएगा, क्योंकि घर जाने के बाद एक्चुअली बिजनेस करना ही है वापस. तो ये मोमेंट जीने आए थे. Oh, 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 oh,